भागलपुर के नौगछिया में रंगरा प्रखंड के अंतिनटंगा स्थित तो विनोबा भावे हाई स्कूल में सीएम नीतीश कुमार ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। नीतीश कुमार के चुनावी भाषण को सुनने के लिए आसपास के हजारों की तादाद में लोग शामिल हुए। सीएम नीतीश कुमार हेलीपैड से सीधे मंच पर पहुंचे, जहां पहले से मौजूद स्थानीय विधायक, लोकसभा प्रत्याशी एवं अन्य एनडीए के नेताओं ने माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया। उसके बाद नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में एनडीए गठबंधन के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से की। इस दौरान सीएम ने राजद पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार के विकास के लिए हम लोगों ने कितना काम किया है, ये आपको पता है। 2005 से पहले शाम में घर से लोग बाहर तक नहीं निकल पाते थे, लेकिन जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से जंगल राज को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। इस दौरान तेजस्वी पर भी जमकर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि नौकरी हमने दिया है, जब हम एनडीए के साथ थे तभी लोगों को रोजगार और नौकरियां मिल रही थी, झूठी वाहवाही लेने की वे लोग कोशिश कर रहे हैं। जनसभा में पहुंचे लोगों ने कहा कि वोट नीतीश कुमार और मोदी के पक्ष में ही करेंगे, लेकिन इलाके में विकास की जरूरत है। तिनटंगा इलाका पूरी तरह से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, यहाँ पर स्थायी कोई उपाय निकाला जाना चाहिए। इस दौरान मंच पर गोपालपुर विधानसभा के विधायक गोपाल मंडल, एनडीए प्रत्याशी अजय मंडल, राजद से जदयू में शामिल हुए बूलो मंडल समेत एनडीए के दर्जनों कार्यकर्ता, नेता व भारी संख्या में आम लोग मौजूद थे। आपका अभिनंदन करता हूँ। आप यहाँ पर जो हम लोग आए हैं, आप सबसे यही अनुरोध करने आए हैं कि फिर से हम लोगों के बात अजय कुमार मंडल जी को विजयी बनाइए। आप कई लोगों ने यहाँ पर बहुत सारी बातें कही, आप सब लोग तो जानते हैं कि पहले क्या हालत है। जब हमको काम करने का मौका मिला 2005 के नवंबर में, हम उसके पहले इनको 15 साल का मौका मिला पति पत्नी, जब उनको हारना पड़ा तब दीदी को मंगाए वही को मेरा नाच किए जी। अभी फिर तो हमको मौका मिला तो सातवें दिन के बाद और लोगों को अपने तरफ कर लिया, तो यही लोग 15 साल रात करते परिवार में पति पर। अब आप बताइए कि कौन सा काम हुआ, याद कर लीजिए। अभी जो स्थिति है, आप पहले क्या स्थिति जो हमारे थे पांच में, और उसके पहले क्या स्थिति थी जरा बताइए। लोग शाम में घर से निकल पाते थे, कहीं कोई घर से नहीं निकल पाते, कहीं रास्ता था, आ कितना विवाद होता था, हिंदू मुस्लिम में कितना झगड़ा होता था, सब आप लोगों को जानते हैं। आज जब वोट लेना चाहते हैं लेकिन झगड़ा करते, जब हम ही लोग आए थे हैदराबाद, हम ही लोगों ने सब काम किया। आपने 2019 में आपने मेरे ऊपर विश्वास करके मुझे अपना आशीर्वाद और मत दिया था, मैं आपका सेवक चुना गया, आपने मुझे अपना सेवक चुना और मैं आपके सेवा करने में खड़ा उतरने का काम किया हूँ। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए आपने मुझे आदेश दिया, तो मैंने भारत सरकार से बहुत सारी योजना लाकर भागलपुर लोकसभा के अंदर आप लोगों को समर्पित किया हूँ, और मैं पुनः आग्रह करता हूँ आप लोगों से कि एक नंबर ईवीएम पर तीन छापर के सामने बटन दबाकर मांगिए नरेंद्र कुमार मोदी जी को, हमारे आपके मतों से वो प्रधानमंत्री बनाने की कृपा करें, यही आपसे आग्रह और यही अनुरोध। जय हिंद, जय भारत, जय जनता दल। हमारे बारे में भ्रम फैलाने का काम किया गोपाल मंडल नहीं करता, कहीं किंतु परंतु नहीं है, एक और मजबूत भाई हमारा बोलो मंडल आ गया, इसको कोई रोक नहीं सकता। मैं, हमारी पत्नी, हमारा बेटा आशीष मंडल जम के प्रचार कर इसमें दो मत नहीं है और बढ़िया से जीतेगा। आप लोगों का कहना है 4 लाख पास तो पार, इसमें दो मत नहीं है। बहुत कुछ ने बोलते हुए, चूंकि उजड़े बिहार को सजाने का काम किया नीतीश कुमार ने, नीतीश कुमार को देखते हुए मतदान करने का काम करें। जय हिंद, जय भारत। 26 तारीख।
भागलपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान के आधार पर कार्रवाई करते हुए नाथनगर थाना क्षेत्र में निरंजन यादव हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने छापेमारी कर कांड के मुख्य आरोपी नाथनगर निवासी राजीव रंजन उर्फ लड्डू शाह को गिरफ्तार कर लिया है। पैसे के लेन देन को लेकर राजीव रंजन उर्फ लड्डू शाह ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर निरंजन यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड में शामिल अन्य आरोपी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। नाथनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत 17 अप्रैल को रात्रि करीब 8 बजे निरंजन यादव की हत्या हुई थी। इस मामले का सफल उद्भेदन 24 घंटे के अंदर कर लिया गया है और मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है तथा इसके साथ साथ अन्य अभियुक्तों की भी पहचान कर ली गई है। इस संबंध में 193 नाथनगर थाना कांड संख्या 24 दर्ज किया गया था। SSP सर के निर्देशानुसार एक टीम गठित की गई थी जिसमें DSP City 2 और थानाध्यक्ष नाथनगर और अन्य अधिकारीगण इसमें टीम में शामिल थे। टीम के द्वारा CCTV फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया है और इस संबंध में जो मुख्य अभियुक्त था इसमें जिसको गिरफ्तार किया गया उसका नाम है राजीव रंजन उर्फ लड्डू शाह, पिता स्वर्गीय राधा रमन शाह जो कि नाथनगर के ही रहने वाला है। इसके ऊपर से 2015 में भी एक मनुष्य संबंधित एक केस दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ अन्य अभियुक्तों की पहचान कर ली गई है जो अभी तक के जो हम लोग अनुसंधान में जो कारण निकल के आया है इसमें जो ये बताया गया कि चूंकि जो मृतक है वो पूर्व से तकरीबन 5 से 6 कांड में अभियुक्त रहे हैं, गंभीर कांड जैसे रंगदारी और हत्या का, तो ये अभियुक्त का इनके द्वारा इनसे जो है पैसे का विवाद था, लगातार पैसे की इनसे जो है मांग की जाती थी। तो इस संबंध में जो है इनके द्वारा 2-3 इसमें जो है अन्य दूसरे जिला को भी जो है इसमें अभियुक्त को मिलाकर इसमें इनके पुत्र इसमें शामिल हैं। इस घटना में एक गिरोह बनाया गया और इन्होंने प्लानिंग की तकरीबन 1 वीक पहले और इस प्लानिंग के साथ जो है इसको मारा गया है गोली मार के। इस संबंध में इस पूरे कांड का सफल उद्भेदन किया गया है और अन्य अभियुक्त जो भी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी भी जल्दी सुनिश्चित की जाएगी। एक आवश्यक सूचना, मैं रमेश टुडू 26 भागलपुर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार हूं। मेरे ऊपर मिर्जा चौकी थाना की संख्या 48/21 दिनांक 4/8/2021 एक केस दर्ज है जो SDJM साहेबगंज झारखंड न्यायालय में है। उक्त केस की जानकारी अपने क्षेत्र की जनता को देने हेतु TV चैनल को उपलब्ध कराया है जिसके माध्यम से सभी को जानकारी हो, साथ ही संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना उपलब्ध करा दी जाएगी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जांच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050193341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स बिहार टॉकीज रोड लाइन बाजार पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है, ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है, और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है, जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलंब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। The
बीते 16 अप्रैल को भागलपुर के बात थाना क्षेत्र के दौलतपुर में भूसा चोरी को लेकर हुए विवाद में अपराधियों ने दो किसान को गोली मारकर घायल कर दिया था, जिसमें दौलतपुर निवासी मुकेश कुमार सिंह की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई थी। मामले के उद्भेदन के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। पुलिस ने छापेमारी कर मुख्य आरोपी मीरहट्टी निवासी रब्बू यादव और नवटोलिया निवासी पवन यादव को बांका के फुल्ली डूमर से गिरफ्तार कर लिया है। हम आपको बताते चलें कि पवन यादव का आपराधिक इतिहास रहा है। पवन यादव के ऊपर सुल्तानगंज थाने में कई मामले दर्ज हैं। वहीं घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जैसा कि आपको पता है 16/4/2024 को जो है बाग थाना अंतर्गत दौलतपुर बहियार गांव है, वहां पे भूसा चोरी के संबंध में विवाद हुआ था और इसमें दो लोगों पे गोली चली थी। उसमें से एक व्यक्ति की जो है मृत्यु हो गई थी, उसका नाम मुकेश कुमार सिंह है और एक जो है इलाजरत है और खतरे से बाहर भी हैं। और इस संबंध में जो है एक FIR लॉन्च किया गया था 57/24 और इसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए हम लोग जो है इसमें जो नेम्ड एक्यूज है रघु यादव को जो है हम लोग कल ही गिरफ्तार कर चुके थे, जिसके बारे में सूचना नगर पुलिस अधीक्षक के द्वारा दी गई थी। और फिलहाल जो है हम लोग जो इसका मेन एक्यूज पवन यादव को जो है फुल्ली डूमर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है और शेष अभियुक्त जो बाकी बचे हुए हैं उनके खिलाफ भी लगातार छापेमारी चल रही है। पूरी उम्मीद है कि इसके बचे हुए जो भी अभियुक्त हैं उनको भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो ये हम लोग के लिए सफलता के विषय है कि हम लोग बहुत जल्द इसको इस पर जो है कार्रवाई करते हुए इसके एक्यूज को जो है गिरफ्तार कर चुके हैं और शेष बचे अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी जल्द ही कर लिया जाएगा। इसमें जो रघु यादव है इनके पिता अशोक यादव हैं, ये भी मीरहट्टी गांव के हैं। दूसरा एक्यूज जो पकड़ाया गया पवन यादव पिता अशोक यादव, ये भी जो है ये नवटोलिया के हैं, मीरहट्टी गांव के हैं ये भी। पवन यादव के पहले से दो आपराधिक इतिहास भी रहा है, इसमें सुल्तानगंज थाना में कांड संख्या 196/19 जो कि हत्या के प्रयास में दर्ज है आर्म्स एक्ट के साथ, और दूसरा जो है सुल्तानगंज थाना में जो है 39/21 जो कि हत्या से संबंधित है, ये भी पहले से दर्ज है। चैती दुर्गा प्रतिमा का विसर्जन शोभा यात्रा बड़े ही धूमधाम के साथ निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। गाजाबाजी के साथ श्रद्धालु भक्ति गीतों पर नाचते हुए प्रतिमा के साथ साथ चल रहे थे। तेज धूप के बावजूद श्रद्धालुओं के उत्साह में तनिक भी कमी नहीं आई, ऐसे लग रहा था मानो जैसे तेज धूप ने भी आस्था के आगे हार मान ली हो। शोभा यात्रा शहर का भ्रमण करते हुए मायागंज स्थित मुसहरी घाट पहुंची, वहां पर नगर निगम द्वारा बनाए गए कृत्रिम तालाब में प्रतिमा को विसर्जित किया गया। माँ दुर्गा के अंतिम दर्शन के लिए विसर्जन मार्ग श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। हम लोग का चैती दुर्गा हो रहा है, हर साल इसी तरह जाते हैं और अच्छी तरह जाते हैं हम लोग, बहुत अच्छी तरह विदाई दे रहे हैं हम लोग शांतिपूर्वक से, बिल्कुल शांतिपूर्वक है। भागलपुर गौराडी थाना अंतर्गत सारथ गांव में मामूली आम के पत्ता तोड़ने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। सभी घायलों का इलाज मायागंज अस्पताल भागलपुर में चल रहा है। वहीं घायल संजय कुमार का कहना है कि शादी के रस्म के लिए आम का पत्ता तोड़ने वे लोग बगीचा गए थे, जिसमें कोयला गांव के दबंग पूरन यादव, नवल यादव, पंकज यादव, बबलू यादव, बटेली यादव, सागर यादव समेत 15 से 20 की संख्या में लोगों ने आकर मारपीट करना शुरू कर दिया, कुछ पूछा तक नहीं। घायल होने के बाद हम लोग गौराडी थाना गए, वहाँ थाना अध्यक्ष के द्वारा कहा गया कि पहले इलाज कराओ उसके बाद केस दर्ज होगा। मार्केट हुआ वहाँ पे, जैसे कि शादी करके आए, गाँव सतनी होता है ना शादी का, आम के पेड़ का जो पल्लो तोड़ने के लिए गया था, उसमें आम भी नहीं था, तो छोटे बच्चे को भेजें तो बच्चा का दूर पड़ दिया होगा, तो बच्चा भी थोड़ा गाली दे दिया होगा यही, और वो सब जो है ना थोड़ा ज़्यादा बुरा से मार कर लिया, फिर दोबारा जाके फिर घर जाके तो फिर 2-3 किलोमीटर मेरे घर से भी दूर हो के जाके सब बापू आके 2-4 अध्यक्ष तक में आके वो सब आके लाख मिलते हैं। कौन कौन मारा था? बुटेली था, बुटेली नहीं भुगतान था, नवल, पूरो परबिटवा, लपा डब्बा। आम तोड़ने, आम का पल्लो पत्ता तोड़ने में हुआ, कहाँ घर हुआ? कौन थाना पड़ता है? थाना गए थे? थाना वाला क्या बोले? थाना तो बोला जो आपका अस्पताल को जाया, पहले बोला कि इलाज करवा के कागज लगाइए फिर बनाइए। हम गए थे आम का पल्लो तोड़ने के लिए, तो हम आपका आम का पल्लो तोड़ लिया, उसका आम से हमको मतलब नहीं था,
वो बोला कि अरे बहन तो तुम मेरा आम का आम क्यों तोड़ा। मैंने बोला आम का पत्ता का काम था इसलिए आम का पत्ते लिया, आपका आम नहीं लिया। यही बात तो उसने हमको थाप मार दिया। फिर बोले आप काहे मार रहे हैं, हम तो आपका पत्ते लिए हैं। फिर दूसरे हमको भी थाप मार दिया, दूसरे थाप मार के फिर बोले हम जा रहे हैं घर में बोलने के लिए। कहिए जाओ और उठा के पटकने लगा, बोला कि जाओ बोल देना। फिर अब बोले घर में तो वो सब आ गया और बंदे लेके मार करने के लिए। कितना लड़का था वो लोग जो मारपीट किया है? वो था सिर्फ 20-25 था। क्या क्या मथाकन भी भंगा है? हाँ। कितने लोगों का मथाकन भंगा? मेरे तरफ से 3-4 लोग का पट गया। आम का पल्लो तोड़ने में मारपीट हुआ? हाँ। तुम घर में बताए ये सब बात? हम घर में बताए। मामू गया बोलने के लिए, मामू को भी मारने लगा। सबके साथ मारपीट किया? हाँ।